hey guys i hope you are doing great today i will discuss one important article from the hindu newspaper it is very crucial for your preparation because nowadays right to privacy is a fundamental right according to the supreme court pronouncement in the judgment of the puttaswami ks Putaswami case in 2017. then it's it is very like very important for us to discuss about this article and it gives us opportunity to discuss each and every minuscule detail of this particular article. minuscule होता है बिल्कुल छोटी से छोटी minor भी तो start करते हैं अगर आपने मेरे playlist में वीडियो नहीं देखे तो वो कैबलरी वीडियो बहुत सारे मिलेंगे जिससे क्या है आपका वे ऑफ कन्वर्सेशन इम्प्रूव होगा अगर आप इनको इंटरस्पार्स इंटरसपार्स क्या मतलब होता है कहीं कहीं पर रखेंगे इन वो कैबलरी वर्ड्स को इट विल अडोन योर वे ऑफ स्पीकिंग तो इसमें हम बात कर रहे हैं डू सी सी टी वी कैमराज प्रोटेक्ट अस और इन्वेड और प्राइवेसी तो क्या भाई सी सी टी वी कैमरा जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है अपने इन्वेड क्या होता है अटैक करना अटैक कर रहे हैं हमारे प्राइवेसी मैटर पर तो जो भी ये आर्टिकल है इसको मैंने सिम्प्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ताकि हम इसको अच्छी तरह से सीख सकें और इसके ईच एंड एवरी डिटेल को जान सकें तो स्टार्ट करते हैं डू सी सी टी सी सी टी वी कैमराज प्रोटेक्ट अस और इन मेड रिवेसी इंडिया सी सी टी वी कैमराज कवरेज हैज़ ग्रोन रैपिडली ओवर द ईयर्स तो इंडिया फोस्थ्रो फेस लगा तो इंडिया के सी सी टी वी कैमरा हैं जो कैमरा कवरेज कैमरा कवरेज हैज़ ग्रोन हैज़ ग्रोन वब हैज की थर्ड फॉर्म तो ये आपको पता रखना पड़ेगा कि हैजब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है जो काम बीत गया है उसका इफेक्ट अभी भी हैज़ ग्रोन रैपिडली ओवर द ईयर्स कई सालों में स्टेट्स आर्ग्यू दैट स्टेट्स क्या है जो स्टेट्स हैं गोरमेंट हैं वो है आर्ग्यू करते हैं दट सी सी कैमराज रिड्यूस क्राइम एंड द पब्लिक फाइंड द प्रजेंस ऑफ द कैमराज री एश्योरिंग तो मतलब उसको दोबारा से अश्योर करता पुख्ता कर सकता है रीएश्योरिंग इन ए सर्वे कंडक्टेड बाई दी लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ दी डेवलपिंग सोसाइटीज़ इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन ट्वेल्व स्टेट्स तो एक सर्वे कंडक्टेड किया गया है देखो ये वो आपकी सेकेंड फॉर्म आई है तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है पास्ट टेंस में क्या होता है कि भाई जो काम बहुत पुराने टाइम पे हुआ था तो सर्वे कंडक्टेड बाय द लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी तो ये लोकनीति सेंटर है क्या स्टडी ऑफ द डेवलपिंग्स जो डेवलप हो रही है सोसाइटी उसके बारे में स्टडी करने के लिए था लोकनीति सेंटर इन टू इन ट्वेल्थ स्टेट्स बारह स्टेट्स में उन्होंने सर्वे किया मोर देन थ्री फोर्थ तीन चौथाई से लेके ऑफ द रिस्पॉन्डेंडेंट स्पोटेड इंस्टॉलिंग CCTV cameras at the एट द एंट्रेंस ऑफ द होम्स तो थ्री फोर्थ ने कहा कि हमारे घर पे होना चाहिए कैमरा इंट्रेंस पे होना चाहिए However, एवर surveillance सर्वेलेंस इज़ ए बिग कंसर्न मतलब वो क्या है निगरानी रखता वो बिग कंसर्न चिंता कारण आर्टिकल डिस्कसिस वट एवर सी सी टी वी कैमराज आर हेल्पिंग द पुलिस फाइट क्राइम और द बींग यूज एज ए टूल टू इन्वेड प्रिवेसी तो या तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई चिंता ये है कि भाई ये डिस्कस करना कि सीसीटीवी कैमरा हेल्प कर रहे हैं किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को या ये इन्वेड कर रहे हैं अटैक कर, कर रहे हैं इंटरवेन कर रहे हैं इंडिविजुअल प्रिवियसी तो की पॉइंट्स ऑन सीसीटीवी कैमरास हेल्प रिड्यूस क्राइम इज क्लेम बाय द स्टेट जो क्लेम करती है अपने स्टेट या गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट या पर्टिकुलर स्टेट से नहीं मतलब है या गवर्नमेंट से मतलब है ये पोलिटिकल की टर्म है तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो एज दे वट टू बी सीन एज दे वॉन्ट टू बी सीन एज देखो ये कहते हैं कि भाई ये स्पेसिफो में बात की वॉन्ट टू बी सीन एज वो अपने आप को दिखवाना चाहते हैं दे वॉन्ट टू बी सीन एज डूइंग समथिंग टू रिड्यूस क्राइम जैसे कि वो काम कर रहे हैं क्राइम को रोकने के लिए दे आर मल्टीपल आर बहुत सारी स्टडियाँ हैं दे आर मल्टीपल स्टडीज़ इन द यू के विद सो दैट देर इज़ ए नो कनेक्शन बिटवीन सी सी टी कैमराज एंड रिडक्शन ऑफ क्राइम तो यू के में ये ऐसी बहुत स्टडी की गई है कैमरा से उससे कोई रिलेशन नहीं है क्राइम का, crime का. एक कैग ऑडिट ऑफ टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन स्टेटेड दैट एक जो कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल इंडिया है वन फोर्टी एट आर्टिकल एट के अंडर आता है हमारा संविधान में तो आप याद रख सकते हैं तो दो हज़ार अठारह उन्नीस में इन्होंने क्या है स्टडी किया फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी एट पचपन से अड़सठ परसेंट जो है कैमराज वर वर्किंग इन डेली दो इट हेल्प द पुलिस क्लोज केसेस बाय फिगरिंग आउट हु इज़ द क्रिमिनल हु द क्रिमिनल इज तो जो कैग की रिपोर्ट के अनुसार दो हज़ार उन्नीस में क्या है पचपन से अड़सठ परसेंट तक कैमरा क्या है काम कर रहे थे एंड दो यद्यपि इट हेल्प द पुलिस क्लोज केसेस तो इसमें क्या है हेल्प मदद की इन्होंने केस को क्लोज करने के लिए कि बाई फिगरिंग आउट फिगर आउट मतलब निकालने के लिए हु इज़ द क्रिमिनल इज हु द क्रिमिनल इज क्रिमिनल कौन है बट दे डू नॉट ऑलवेज़ वर्क क्या है ये ऑलवेज काम नहीं करते इफ ए क्राइम सीन हैज़ नो सी सी टी वी फुटेज द केस रेयरली गेट्स ओल्ड तो केस मुश्किल से ही सोल्व होता है एंड देर इज एन ओवर रिलायंस ऑन दीज सिस्टम्स तो इस पर ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया कैमरा पे विच लीड्स टू द फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव तो इसके क्या हैं कुछ झूठे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं और कुछ झूठे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं ए फॉल्स नेगेटिव मीन्स दैट द पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल एंड ही गोज़ फ्री तो भाग जाता है देखो ही गोज़ फ्री फॉर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस yes लगा है तो so, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट डिफिने टेंस है Earth. तो फॉल्स नेगेटिव मीन्स फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है झूठी मिथ्या का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट मीन्स दैट द पुलिस हैज नॉट बीन एबल टू ये कर नहीं पा रही थी नॉट बीन हैव नॉट बीन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे हैव नॉट और नेगेटिव में है तो हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल एंड ही गोज फ्री दो क्रिमिनल चला जाता है फ्री ए फॉल्स पॉजिटिव मीन्स दैट एन इनोसेंट पर्सन इज आइडेंटिफाइड एज दिस सब्जेक्ट और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई इनोसेंट पर्सन को एज आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये चोर है या भी जो बदमाश है क्रिमिनल है देर इज ए नो लॉ विच रेगुलेट्स हाउ द डाटा इज कलेक्टेड कोई ऐसा लॉ नहीं है यहाँ पे कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है प्रोसेस करना है या स्टोर करना है वेन इट शुड भी डिलीटेड या इसको कब डिलीट करना है और विद होम इट कैन बी शेयर किसके साथ ये शेयर किया जा सकता है देर इज ए नो स्पेसिफिक लॉ विद रिगार्ड टू फेशियल रिक्नाइजेशन कोई लॉ नहीं है जिससे फेशियल रिक्नाइजेशन किया जा सके और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऑन हाउ द पुलिस शुड यूज सी सी टी वीज़ और फेशियल रिकिगनाइजेशन टेक्नोलॉजी कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं कोई भी ऐसा प्रोसीजर बताया नहीं गया है जिससे कि पता चले कि कैसे पुलिस को सी सी टी वी या फेशियल रिकिगनाइजेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट अलाउज़ पुलिस डिपार्टमेंट्स जो सी आर पी सी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट Allows police department to use new technology, not just facial recognition but also fingerprint recognition, a voice detection and there is no oversight. इसपे कोई भी मतलब निगरानी नहीं है, देख पाल नहीं है, तो allow करता है. For instance ऐसे example ले सकते हैं, the New York and the London police departments have oversight committee. तो New York में और London में क्या है? ओवरसाइट निगरानी करने के लिए कमेटी रखी गई है. When there इज a वायलेशन ऑफ द सिविल राइट्स कभी भी सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है. यू कैन फाइल ए complaint अगेंस्ट द पुलिस इंडिया डज नॉट हैव दैट इंडिया के पास ऐसी कोई कमेटी नहीं है जो ओवरसाइट कर सके क्योंकि अवर uh, लाइक like, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है एक्ट है उसमें क्या है दे हैव ऑथोराइज द पुलिस पर्सनल टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द एविडेंस दैट्स वाई लाइक देर शुड बी ए कमेटी टू यूज़ cctv evidence there are एविडेंस laid out under the indian evidence act to एविडेंस एक्ट तो इंडियन एविडेंस एक्ट है जो उसके क्या अंदर कंडीशन रखी गई है जिसके अकॉर्डिंगली देर इज ए सर्टिफिकेट दैट हैज़ टू बी ऑप्टेन एक सर्टिफिकेट ऑपटेन करना होता है बट ऑफन द हार्डवेयर इज डैमेज एंड द क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग इज पुअर पर आमतौर पर क्या होता है हार्डवेयर इज डैमेज रहता है कैमरा का एंड द क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग इज पुअर और रिकॉर्डिंग बहुत पुअर होती है सो इवन इफ द रिकॉर्डिंग हैज़ बिन मेड लीगली अगर रिकॉर्डिंग लीगल रूप से कर दी जाए तो इट कुड स्टिल नॉट बी सफिशियंट एविडेंस वो कोई सफिशियंट एविडेंस नहीं होगा एंड यस टेक्नोलॉजी हैड ट्रांसफॉम सो मच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई टेम्परिंग ऑफ फुटेज तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि ये भी टिपिकल है कि जो फुटेज है सीसी टीम कैमरा फुटेज देर कैन बी टेम्पर्ड आल्सो उनको चेंज किया जा सकता है देर इज ए नीड टू अडोप्ट डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स लाइक पर्पज लिमिटेशन एंड स्टोरेज लिमिटेशन तो देर इज़ ए नीड टू अडोप्ट एक जरूरत है अडोप्ट करने की डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल को लेके आए रो लेके आए लाइक पर्पज लिमिटेशन एंड स्टोरेज लिमिटेशन दिस मीन्स दैट ओनली द डाटा टू बी यूज फॉर ए लॉफुल पर्पज़ इज़ कलेक्टेड कि कोई ला फुल पर्पज़ के लिए डाटा कलेक्टेड हो इट इज़ टोड ओनली फॉर द टाइम अनटिल विच द पर्पज़ इज़ कैरेड आउट ये इतने टाइम के लिए ओनली फॉर द टाइम अनटिल जब तक नहीं विच द पर्पज़ इज कैरिड आउट आफ्टर दैट इट इज़ डिलीटेड उसके बाद डिलीट करना चाहिए देर इज़ ए लीगल वैक्यूम वेयर इट कम्स टू दिज सिस्टम्स एंड प्रोसेस तो लीगल वैक्यूम है ये लीगल मतलब वहाँ पर एक जगह स्पेस है and we have to fill up with the new rule and regulation so that we can streamline all the process of collecting data and disseminating information and which authority can use such type of data for their purpose or for the solving of the crime cases तो यही आर्टिकल है बहुत ही सिंपल और अच्छा आर्टिकल है ये प्राइवेसी के मैटर में आ सकता है तो आप अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए थैंक यू वेरी मच बाय